सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं संजीवनी होम्योपैथी का ये YouTube चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस शॉर्ट वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ जो आपको थायराइड के केस में काम आएगी। ये थायराइड का केस है हाइपोथायरायडिज्म का। हाइपोथायरायडिज्म में TSH का लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और T3 और T4 हार्मोन्स कम हो जाते हैं या नॉर्मल पे रहते हैं। लेकिन TSH का लेवल बढ़ने से समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपका वजन बढ़ने लगता है, आपके शरीर में थकान बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाता है, कमजोरी लगने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, मूड स्विंग होता है, मूड डल हो जाता है, शरीर में ठंडक सी महसूस होने लगती है, बॉडी पेन होने लग जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो मैंने आपको अपने मेरे थायराइड के वीडियोस में बताया हुआ है। आप चाहें तो गूगल करके आपको थायराइड के सभी लक्षण मिल जाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये बताने का है कि थायराइड के लिए कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में रेगुलरली यूज़ होती है। तो ड्रग है, जो दवाई है उसका नाम है थायरॉइडिनम 3X। इसके डोजेज आपके रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका जो थायराइड का डोज है, थायराइड का जो रिपोर्ट है, TSH का वैल्यू है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर्स जो भी जिनको भी आप दिखा रहे हैं वो डोजेस तय करेंगे। या फिर आप हमें हमारे जो नंबर हैं 6265772077 उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपनी रिपोर्ट्स को, तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपको किस तरह से मेडिसिन लेनी है। और ये सब कुछ जो जो डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी जो ड्रग है जिसमें थायराइड के मरीजों में वेट बहुत गेन हो रहा है वो ड्रग है कैल्केरिया कार्ब। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये, दो दो बूंद सुबह शाम के डोजेस में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और उनमें जिनमें जो बॉडी जिनकी ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वजन पहले से ही बढ़ा हुआ है, फिजियोलॉजिकली वेट जिनका बढ़ा हुआ रहता है उनके लिए बड़ी इफेक्टिव ड्रग है। जिसमें मेंसेस गड़बड़ होता है उनमें पल्साटीला 200 एक बहुत अच्छी ड्रग कारगर ड्रग है, वो आप यूज़ कर सकते हैं दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में। और थायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं उस पर आपका थायराइड का पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो आप जब भी जहाँ भी जिस भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं अपनी पूरी जानकारी दीजिए, हर एक बात के बारे में जानकारी दीजिए, आपके खाने से लेकर सोने तक के सभी सिस्टम के बारे में, सभी टाइमिंग्स के बारे में, क्या आप खाते हैं, कब खाते हैं, क्या सोच रहे हैं, तनाव में क्या है, तनाव है क्या या नहीं है, या स्ट्रेस की कौन सी कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, हार्मोनल कंडीशंस आपकी क्या हो रही हैं, हर एक बात को जब आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो समझ पाएंगे आपकी तकलीफ़ों को और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जिसे होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो होती है वो आपके ओवरऑल सिम्टम्स और आपकी बॉडी के मेंटल और फिजिकल मेकअप के अकॉर्डिंग होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। हम लोग यहाँ आपको केवल सलाह दे सकते हैं और आपको सुझाव देकर ये बता सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में अपना ट्रीटमेंट कराना है, किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन आपका ट्रीटमेंट आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपके डॉक्टर ही करेंगे, चाहे आप किसी भी पैथी में जाएं, एलोपैथी में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, किसी भी पैथी में जाएं, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, आपको उनसे बात करनी है। YouTube के माध्यम से जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो आपको हेल्प कर सकते हैं डायग्नोस करने में अपनी समस्याओं को, और इस बात के लिए आपको अवगत करा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि आप किस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं या किस तरह से आपको अगला इलाज लेना चाहिए, आपकी बीमारी क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि बीमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी बड़ी है, ये बताया जा सकता है। लेकिन पूरा ट्रीटमेंट आपको आपके एरिया में जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आपको डॉक्टर से ही लेना होगा या आप हमारे पास आ सकते हैं, कहीं भी आप दिखाएँ, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको डायरेक्टली वहाँ पर दिखाना है। तो आशा है ये आपको छोटा सा वीडियो काम आएगा और आपको ये बातें समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।